एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज़ में। बढ़ते हैं आगे। पंजाब सरकार द्वारा सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नए ट्रिब्यूनल के गठन की मांग को लेकर पारित प्रस्ताव के बाद हरियाणा की राजनीति गरमा गई है। CM मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब के कारण मामला कोर्ट में लंबित है, तो कुमारी सैलजा ने कहा कि CM SYL को लेकर PM से समय तक नहीं ले पाए। देखिए रिपोर्ट। पंजाब सरकार द्वारा सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नए ट्रिब्यूनल के गठन की मांग को लेकर पारित प्रस्ताव के बाद हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया है कि पंजाब की इस बैठक का हरियाणा को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब इस मसले को सुलझाना नहीं चाहती है। दरअसल SYL का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं इसका उत्तर दे चुका हूं और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में जो ये विषय लटका हुआ था केवल इसी कारण से कि पंजाब सरकार ने एक अड़चन अपनी डाली हुई थी, ना कुछ उत्तर देते थे ना कुछ करते थे। अब अंतोगत उन्होंने अगर अपना निर्णय लिया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक सुविधा हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय अपने हिसाब से बहुत जल्दी देगा, तो इसलिए ये निर्णय उनको अगर करना ही यही था तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। SYL को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मनोहर सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि CM SYL को लेकर PM से समय तक नहीं ले पाए हैं। हमें ये बताइए कि पिछले सालों में जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्लियर आ चुका है हरियाणा के हक में, इंदिरा जी के समय इंदिरा अवार्ड में तो 3.5 MAF मिला था पानी, लेकिन उसके 3.5 मिला था, लेकिन उसके बाद इराडी कमीशन ने तो 3.8 दिया हुआ है हरियाणा को, और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार इसको एग्जीक्यूट करवाए, उनकी जिम्मेवारी डाली। सरकार सो रही है, हरियाणा में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, प्रधानमंत्री जी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। कहीं भी हरियाणा सरकार ने या केंद्र सरकार ने, बीजेपी की हरियाणा सरकार है, बीजेपी की केंद्र सरकार है, किसी ने हाईएस्ट लेवल तक माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर तक कोई रुचि नहीं दिखाई है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको पूरा किया जाए। तो हमारा तो सवाल है, केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों को जवाब दें कि अब ये क्या करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें टाइम दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट की अवधि जो उनके वर्डिक्ट की थी वो ख़त्म होने जा रही है, उसमें ये सरकार क्या करेगी? हरियाणा का किसान तो आपने वैसे ही मार दिया हर जगह से जहाँ देखो। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय राज्य जल मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा था कि मंत्रालय में काम मेरिट के आधार पर होता है और SYL का मामला केंद्र के संज्ञान में है। अगर मैं सार्वजनिक रूप से इसमें कुछ बोलूंगा तो पंजाब जो है कल को ऐसे ही खड़ा खड़ा कर देगा भाई, क्योंकि मंत्री जी हरियाणा के रहने वाले हैं और उसको मामले को जो है पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो भी उसमें मेरिट के ऊपर जो कुछ कहना है वो मंत्रालय के अंदर ही बात होती है, वो सारी बातें संज्ञान में है, सारी बातें संज्ञान में है। SYL को लेकर पंजाब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में नए ट्रिब्यूनल गठन का प्रस्ताव पारित हो गया है। दरअसल SYL पर हमेशा से सियासत होती आ रही है। अब देखना होगा कि ये मामला कब तक सुलझ पाता है। दिल्ली से विनोद लांबा के साथ गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज़।